हेलो लोग गाइस, तो कैसे हो आप लोग। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केमो आचे केम चो गाइस। यार तो आज आपका गेम गॉड आ चुका है आप लोग के लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके। जी हाँ भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिन में दो वीडियोस आएंगे, हर दिन आएंगे दो वीडियोस। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी उस लाल वाले बटन को दबाइए ताकि वो ग्रे हो जाए, और नोटिफिकेशन को जाके ऑल कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे हर टाइम जब भी मैं अपलोड करूँ। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ सीज़न 15 का रिव्यू गाइस, एंड सीजन 15 का रिव्यू, और उसको कैसे फ्री में ले। जी हाँ भाई, आप लोगों ने सही सुना, उसको कैसे फ्री में ले। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आप लोगों को बीच बीच में वो ट्रिक, और ये कुछ ट्रिक नहीं है गाइस, वो गेम में ही है जो आप लोगों को करना है सीजन 15 का इलाइट पास जैसे आप लोगों को लेना है। तो आइए हम चलते हैं रिव्यू की तरफ गाइस। तो आप लोगों को बीच बीच में ना फोटोज देखने को मिलती रहेगी और मैं उस पर रिव्यू देता रहूँगा गाइस। तो आइए चलते हैं रिव्यू की तरफ। हाँ तो गाइस, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सीज़न 15 का इलाइट पास, ज़्यादा कुछ नहीं है, वही एक नॉर्मल शर्ट है। अभी आप लोग के सामने एक दूसरी फोटो आएगी। बैकपैक की स्किन बहुत ही सही है, एंड वो जो लेडी कैरेक्टर है वो भी बहुत सही है। मैं लास्ट में रिव्यू दूंगा कैसा लगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, MP5 की स्किन मिल रही है आप लोग को, एक नया स्केटबोर्ड मिल रहा है, इतना खास नहीं लगा मुझे। एंड बस इसमें कुछ चीज़ें खास लगी, यही जो है नॉर्मल अपना रिसप्लाई मैप 7 डेज़ के लिए, ये 3 दिन के लिए अपना ये 500 गोल्ड, एंड 5 दिन के लिए बॉर्न फायर, और 1 दिन के लिए जो भी लाइट पास नहीं लेंगे उनके लिए। तो बस दो ही चीज़ें जैसे कि आप लोग को मालूम है। एंड अभी आते हैं दूसरे फोटो की तरफ। तो यार मेरे ख्याल से ये जो हर टाइम का है कि लोग टी शर्ट देते हैं जैकेट टाइप, वो यार बस हो गया कुछ, इन लोगों का स्टाइल ना थोड़ा चेंज करना चाहिए। एंड मेरे ख्याल से तो जो इलाइट पास नहीं ले रहा उसके लिए जो शर्ट है बहुत ही सेक्सी लग रहा है, बट ये जो नीचे वाला है हर टाइम के लिए, वो सेम 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 देख के यार हम लोग भी पक चुके हैं। इलाइट पास में अभी सब सेम ही आने लगा है, तो इस बार का भी लाइट पास थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, कैसा आता है लाइट पास। अब जैसे कि अभी ये बैकपैक देख लो, ये बैकपैक मतलब इससे अच्छा तो वो हेलोविन का जो बैकपैक आया था मुझे वो लगा था सीरियसली, इससे अच्छा तो हम लोग को जो नॉर्मल स्पिन करने में मिल जाता है वो बैकपैक अच्छा रहता। मतलब इलाइट पास के लिए हम पैसा खर्च करें और हम लोग को मिले ना, तो यार फालतू चीज़ है। एक डायमंड रॉयल वाउचर 7 दिन के लिए गोल्ड का, तो यार इतना खास नहीं लगा मुझे। एंड चलिए चलते हैं कि क्या है, कौन सा इमोट्स आने वाला है। तो यार आप लोग को M14 की स्किन मिल जाएगी इसके लिए, आप लोगों को पाउच जिनके लिए बाउंटी, बाउंटी तो आजकल हम लोग आम तौर पे ले सकते हैं, ये भी हम लोग आम तौर पे ले सकते हैं अपना रिवाइव करने का। और रिमोट जो है वो है सुपरमैन रिमोट की, इसके अंदर सुपरमैन पावर, बस वही एक चीज़ अच्छा है यार, और कुछ अच्छा नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या होगा। अब आइए लास्ट फोटो पर देखते हैं गाइज, जो इलाइट पास नहीं ले रहा है गाइज, जो इलाइट पास नहीं ले रहा है उसके लिए जो बैक पैक है ना वो बहुत ही सही दिया है। जो नॉर्मल बैकपैक, जो मतलब इलाइट पास में जो बैकपैक है वो तो बेकार है, जो नॉर्मली बिच्छू वाला बैकपैक है वो एकदम कतई जहर लग रहा है। और ये जो नॉर्मल लास्ट का ड्रेस, तो मैं आप लोगों को ना अभी लास्ट में ना जब ये फोटो खत्म हो तो आप लोगों को मैं एक रिव्यू दूंगा कि आप लोग क्यों ये इलाइट पास बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फ्रेंकली जो है सच बोलूँगा। तो आप लोग देख सकते हो, आप लोग के सामने पूरा पिक्चर आ चुका है। अभी गाइज आप लोग को मालूम है कि पहले जो आता था इलाइट पास सीज़न 1 से लेकर सीज़न 10 तक, लाजवाब इलाइट पास आया, मतलब इलाइट पास लेने के लिए मरते थे, रॉक स्टार वाला सबसे साथ। सीज़न 3 का जो इलाइट पास था, बेस्ट सीज़न का इलाइट पास था वो, उसके अंदर वो महाराजा वाला जो कॉस्ट्यूम था वो सब। और अभी जो इलाइट पास आया वो सेम सेम आइटम, बस उन लोग क्या कर रहे हैं, जो ड्रेस का कलर है वो चेंज कर दे रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा रहेगा, जो 85 पे जाके हम लोग को टी शर्ट मिलता है जैकेट टाइप, वो सब इन लोग क्या कर रहे हैं कि हाँ बस वो कलर चेंज करके नॉर्मल रख रहे, बाकी इन लोग कुछ नहीं कर रहे। थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाओ, हमको भी इलाइट पास लेने में मज़ा आएगा। अब मैं बताता हूँ कि आप लोग इलाइट पास कैसे ले सकते हो। अभी देखो 8 दिन बाकी है, ठीक है, और आप लोग हर दिन का अगर 15 एड्स मतलब 15 डायमंड लेते हो तो 30 दिन के अंदर आपके पास 400 तक तो हो ही जाएंगे। अब वो 400 हो जाएंगे तो अभी आप लोग क्या सोचोगे कि भाई ये लाइट पास तो गए, हाँ तो जाने दो गाइज, जे आप लोग और डायमंड इकट्ठा करना चालू करो। मतलब आप लोग को यह मालूम है कि आप लोग आने वाला लाइट पास ले पाओगे और उसके आने वाला भी लाइट पास ले पाओगे, तो ऐसा मंथ 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 वाइज जाओगे ना। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा अपने अगले वीडियो में, बट ये चीज़ ध्यान रखना गाइज कि आप लोग को कितना इंपॉर्टेंट है इलाइट पास के लिए, पैसे वेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो भी चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि इलाइट पास अच्छा होना चाहिए यार। देखो जिसके पास पैसा है वो तो यार मतलब बोलते ना कि वो तो दे ही देगा कि हाँ भाई चल जैसा भी इलाइट पास है कुछ तो मिलना चाहिए अपने को, वो तो ऐसे ही करके अपना वेस्ट कर देगा। बट आप लोग ध्यान रखना कि आप लोग को क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए,
क्यों लेना चाहिए और किस लिए लेना चाहिए, लेके क्या करें। और आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आने वाला सीज़न 15 का इलाइट पास या सीज़न 16 का इलाइट पास आप फ्री में लो, एकदम फ्री में। मैं ऐसे ऐसे वीडियोस हर दिन लाते रहूंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को जाके ऑल पे क्लिक कर दो गाइस। तो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल गाइस, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड आई होप सब लोग खुश हो। अपनी मम्मा को ज़्यादा तंग मत करना कि दूध पीना है। बाय बाय गाइस, टेक केयर।